हमारे पास ग्रामर के पोर्शन में एडजेक्टिव्स गिवन है, हमने इनको डिस्कस करना है. अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बेसिकली हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं. अब वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. नाउन में आपके पास कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है और कोई चीज़ भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ फेमस पोइट. अब यहाँ पर ही हमारे पास प्रोनाउन है, ही की हमें क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो फेमस पोइट है. देन आपके पास एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स. आपको एमसीक्यूज़ गिवन है, आपने इनमें से ही जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है और ब्लैंक में फिल करना है. अशफाक अहमद वॉज आ फेमस राइटर. बी ऑप्शन फेमस करेक्ट है. दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार. दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार. सी ऑप्शन इज़ राइट. माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट. माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट. बी ऑप्शन इज़ द राइट वन. इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस. इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस. ए ऑप्शन एडवाइजेबल इज़ द राइट ऑप्शन. हु इज़ डैश फॉर दिस क्लास. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास. बी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्राम द लेसन. आपने जो इस लेसन में एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं उनको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड, रिमार्केबल, इन्फ्लुएंशियल, होली, परफेक्ट, डीप, डियर, रॉन्ग, ये सारे आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं. और इसके अलावा काइंड भी यूज़ हुआ है. इसके अलावा भी अगर आपको और एडजेक्टिव्स मिलते हैं जो आपके इस लेसन में यूज़ हुए हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 10. नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल टाइप 1, जिसे हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं. कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. दिस कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. इस किस्म के शर्तियाँ फिक्रे हमें बताते हैं कि कोई काम उस वक्त वाकया होगा अगर कोई शर्त जो है वो पूरी हुई हो. ये शर्त पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कॉम्पिटिशन. अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर शर्त क्या है कि ही वर्क्स हार्ड. अगर वो मेहनत से काम करता है, ही विल विन द कॉम्पिटिशन, तो वो मुकाबला जीत जाएगा. यानी यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड. हमेशा इसमें आपने क्या करना है, इसका बहुत ही ईजी सा फॉर्मेट है जो आप सीख लें. जो इफ़ क्लॉज होगा आपका, इफ़ क्लॉज के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है. यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. अब यहाँ पर क्योंकि ही जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारे पास, इसलिए हमने वर्क के साथ एस जो है वो लगाया है. इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ वाले क्लॉज के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है और कोमा वाले क्लॉज के साथ आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा देना है. कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? आपने हेल्पिंग वर्ब विल शेल यूज करना है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन या नाउन, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने मेंशन कर देनी है. तो ये पूरे स्टेटमेंट जो है आपकी, ये कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन बन जाएगी. नेक्स्ट आपके पास इसकी एक्सरसाइज है, जिसके आंसर जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ. आप अपनी बुक्स खोलें और इसको साथ साथ जो है वो फिल करते रहें. नंबर 1, इफ़ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो. नंबर 2, इफ़ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी. नंबर 3, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन. नंबर 4, इफ़ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड. आपको ऊपर वर्ड जो है वो सेल दिया हुआ है, लेकिन फार्मर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपने सेल्स लगाना है, SELLS. नंबर 5th, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन. नंबर 6, आई शैल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक. नंबर 7, विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर. नंबर 8, इफ़ यू डोंट गो नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल. नंबर 9, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट. नंबर 10, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कॉम्पिटिशन. ये सारी आपको जो है ये कंडीशनल टाइप 1 की एग्जाम्पल्स गिवन है. नेक्स्ट आपके पास पार्ट डी है, पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स.
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. आई है आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंस मेंशन है, टाइम गिवन है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. तो ये आप लिखेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. यानी सेकेंड ऑप्शन हैव बीन जो है वो आप ब्लैंक में फिल करेंगे. नेक्स्ट ही डैश हियर यस्टरडे. अब यस्टरडे गिवन है, इसका मतलब है कि पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. तो आप इधर लिखेंगे ही केम हियर यस्टरडे. इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल. इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल. अब आप देख रहे हैं कि ये आपको कंडीशनल टाइप वन ओपन कंडीशन की एग्जाम्पल दी हुई है. इफ़ वाले क्लॉज के साथ आपने क्या लगाना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाना है. तो आप क्या लिखेंगे इफ़ यू कम. आगे आई शैल बी अवेलेबल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है. ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. He will take the examination next year. Next year से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे future time की बात की जा रही है. He will take the examination next year. He dash to us tomorrow. Tomorrow जो है ये भी future time की बात की जा रही है. He will come to us tomorrow. स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की तरफ. सबसे पहले पेज नंबर 5 पे आपको ग्लोसरी नज़र आ रही होगी जिसमें वर्ड्स मीनिंग गिवन है. आपने इन मीनिंग्स को एज इट इज़ याद करना है. उसके बाद पार्ट बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपके इंग्लिश के नोट्स पर गिवन है. आपने वहाँ से इनके आंसर्स को लर्न करना है. देन आपके पास आती है वोकैबुलरी जिसमें उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके सिनोनियम्स जो हैं वो लिखने को कहा है. यहाँ पर आपको वर्ड्स और सिनोनियम्स दोनों नज़र आ रहे हैं. आपने इनको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना है और लर्न भी करना है. डैजलिंग, शाइनिंग, इमेजिनेशन, विजन, रिमार्केबल, अमेजिंग, कंपोज्ड, रिटन, प्रिजर्वेशन, सेफ्टी, बेस्टोर्ड, इंटरेस्ट और कॉन्फर्ट, मैसेज, इंफॉर्मेशन, सुपरस्टिशन, इल्यूजन और डिल्यूजन, अबेंडन, फॉरसेक और लीव. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है एफिक्सेशन का. एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सुफिक्स टू अ रूट वर्ड. एफिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्ड जो है वो बनाया जाता है. क्या किया जाता है कि जो रूट वर्ड होता है, जो बेस वर्ड होता है, उसके स्टार्ट में प्रीफिक्स या उसके एंड में आप सुफिक्स ऐड करते हैं जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड और अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग. और इंग्लिश में ये एक बहुत कॉमन वे है न्यू वर्ड्स की मेकिंग का. आपको डिफरेंट बेस वर्ड्स दिए हुए हैं पेज नंबर 7 पर, यानी रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, बेस वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके साथ आपको सुफिक्स और प्रीफिक्स जो हैं वो लगाकर दिखाए गए हैं. आपने इनको लर्न करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट बी पार्ट जो है ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स. ये आपका होमवर्क है, ये आपने करके लाना है और जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी बुक्स पर और कॉपीज़ पर इसको चेक करूँगी. नेक्स्ट आपका आता है पार्ट सी मैच ए विद बी टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो कॉलम बी में गिवन है. आपने पहले नंबरिंग कर लेनी है इनकी 1 से 15 तक कॉलम ए की और उसके बाद जो भी सही मीनिंग होगा कॉलम बी में उसके आगे आपने सेम जो नंबर है वो दे देना है. ये मीनिंग्स आपके लिए करना बहुत इजी हैं, ये इसलिए ये आपका होमवर्क है क्योंकि इसमें से सारे मीनिंग्स जो हैं ये ऑलरेडी आपकी ग्लोसरी में गिवन हैं. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता देती हूँ. जैसे चार्म है, चार्म को आप देंगे नंबर 1. कॉलम बी में आप देखेंगे कि चार्म का जो मीनिंग है वो क्या है. अट्रैक्शन हमें मिला है तो अट्रैक्शन के आगे हम नंबर 1 लिख देंगे. ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी कि चार्म का मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन. बाकी आपकी डायरी है, ये आपने करना है. नेक्स्ट पार्ट है डी यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. इन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस आपका होमवर्क है, आपने बना के लाने हैं. And I am hoping a variety of different meaningful sentences from all of you. पहला वर्ड है आपका सेंचुरी, सेकेंड कॉन्क्वेस्ट, थर्ड इन्फ्लुएंशियल, फोर्थ डिटर्मिनेशन, फिफ्थ डेलीगेशन, सिक्स्थ क्वाइटली, सेवन्थ अर्ज एंड एट्थ इग्नोरेंस. द फ्लो आमद
ऑफ द डिवाइन मैसेज, अल्लाह के पैगाम की, विच कॉन्टीन्यूड, जिसने जारी रहना था, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक, हैड बिगेन, शुरू हो चुकी थी, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइज़न, उठ खड़े थे टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, टू प्रोक्लेम, तबलीग करना वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद की। अब इसका बा मुहावरा तर्जमा करते हैं, द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कॉन्टीन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, अल्लाह के पैगाम की आमद का वो सिलसिला जिसने अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइज़न टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग के लिए उठ खड़े थे। हिज मिशन, उनका मकसद, वॉज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था, द नेक्सस, मजमुआ ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, इग्नोरेंस, जहालत एंड डिसबिलीव, और गलत अकीदे के। सेट अप अ नोबल, सेट अप कायम करना था अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक नेक तसव्वुर, एंड लीड मैनकाइंड, और रहनुमाई करनी थी इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, अकीदे की, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लेस, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव, उनका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और गलत अकीदे के मजमुए को तबाह करना, सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक नेक तसव्वुर को कायम करना, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ रहनुमाई करना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद था? इसका आंसर यहाँ से है, हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव, सेट अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। सिंस, जबकि डिसबिलीव, ये अकीदा, वॉज थ्रेटनिंग, खतरा बन रहा था, देयर डोमिनेंस, देयर उनके डोमिनेंस, तसल्लुत के लिए, इन द सोसाइटी, मुआशरे में, द पैगन अरब्स, कुफारे अरब, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, दबाव डालना शुरू कर दिया ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके सहाबा पर। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, जबकि ये अकीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा बन रहा था, कुफ्फारे अरब ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड दैम, वो चाहते थे कि उन्हें टू रिनाउंस, रोकें, बाज रखें, देयर कॉज, अपने मकसद से, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और टेक टू, ले जाएं आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा की तरफ। वो चाहते थे कि उन्हें उनके मकसद से बाज रखें और बुत परस्ती की तरफ ले जाएं। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वर्फ, टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब की तरफ। एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हज़रत अबू तालिब की तरफ एक वफ भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें कहा, टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रखे फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह कादर मुतलिक के पैगाम की तबलीग से, और फेस या सामना करे देयर एनमिटी,
उनकी दुश्मनी का। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनमिटी। उन्होंने उनसे कहा कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलिक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, खुद को पाकर इन अ डिलेमा, एक कश्मकश में, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया एंड एक्सप्लेन टू हिम, और बयान की द सिचुएशन उनके सामने। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, अपने आप को कश्मकश में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया एंड एक्सप्लेन हिम टू हिम द सिचुएशन, और उनके सामने सूरत हाल को बयान किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड, अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून इन माय लेफ्ट, और चांद मेरे बाएं हाथ पर रख दें, इवन देन, तब भी, आई शल नॉट अबैंडन, मैं बास नहीं आऊँगा द प्रोक्लेमेशन तबलीग से ऑफ द वननेस ऑफ गॉड तौहीद, अल्लाह की तौहीद के तबलीग से। आई शल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, आई शल सेट अप, मैं कायम करूँगा द ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, और पैरिश या फना हो जाऊँगा इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में। इवन देन, तब भी, आई शल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड तौहीद, मैं अल्लाह के वहदानियत की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा, से बाज नहीं आऊँगा। आई शल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पैरिश इन द अटेम्प्ट, मैं ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा और पैरिश इन द अटेम्प्ट, या इस कोशिश में फना हो जाऊँगा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के फर्म डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादे से वॉज सो इम्प्रेस्ड, बहुत मुतासिर हुए, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भतीजे, गो दाए वे, गो दाए, दाए मीन्स योर्स, तुम्हारा, वे, रास्ता, अपने रास्ते पर कायम रहो, नन, कोई भी, विल डेयर, जुर्रत नहीं कर सकता, टच दी, दी मतलब यू, तुम्हें, तुम्हें छूने की भी, आई शल नेवर फोरसेक दी, फोरसेक छोड़ूंगा दी, तुम्हें, सन ऑफ माई ब्रदर, गो दाए वे, मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर कायम रहो, नन विल डेयर टीच, नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता, आई शल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर मैनकाइंड, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कादिर मुतलिक के हैड चोजन, मुंतखब किए हुए रस्ते पर, फॉर मैनकाइंड, जो इंसानियत के लिए किया था उस पर कायम रहे, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कादिर मुतलिक के इंसानियत के लिए मुंतखब करदा रस्ते पर कायम रहे, इम्ब्यूड, सरशार विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह की रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व, और मजबूत इरादे, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस, वकार एंड डिग्निटी, और शान के साथ। इन नो टाइम, मुख्तसर वक्त में, ही एलिवेटेड मैन, उन्होंने इंसानियत को बुलंद किया टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे ऊंचे मुमकिना दर्जे तक, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी मैदानों में। उन्होंने मुख्तसर वक्त में इंसानियत को रूहानी और दुनियावी मैदानों में मुमकिना ऊंचे दर्जे तक बुलंद कर दिया। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक ड्राइविंग फोर्स, मुतहरिक कुव्वत थे, बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतुहात के पीछे, विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया
एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, एक ना ख़त्म होने वाला तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट, वो अरब की फतुहात के पीछे एक मुहरिक कुव्वत थे जिसने इंसानी तारीख में एक ना ख़त्म होने वाला तासुर या एक दायमी तासुर पैदा किया। नो वंडर, कम हैरानगी की बात नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, वो पूरी दुनिया में आफाकी तौर पर एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, वो तारीख में सबसे बाअसर शख्सियत के तौर पर आफाकी तौर पर जाने जाते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हार्ट जो एक अजीम तारीखदान है, उसके अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम जिम्मेदार थे थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नज़रिए एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और इसके इखलाकी और शाइस्ता असूलों के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के नज़रिए और इसके इखलाकी और शाइस्ता असूलों दोनों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, मज़ीद ये कि ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने अहम किरदार अदा किया इन प्रोसेलाइटिज़िंग द न्यू फेथ, नए अकीदे की तबलीग के लिए, एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मजहबी तालीमात को कायम करने में। उन्होंने नए अकीदे को कायम करने और मजहबी तालीमात को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इन फैक्ट, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स, अरब की फतुहात के पीछे एक मोहरी कुव्वत के तौर पर, दर हकीकत ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, वो तमाम वक्तों में सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी रहनुमा के तौर पर मे वेल रैंक दर्जा हासिल कर चुके हैं। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी हैव कॉन्टीन्यूड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। अरब की वो फतुहात जो 7वीं सदी में थी, हैव कॉन्टीन्यूड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करती आई हैं इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे। आज तक अरब की 7वीं सदी की फतुहात इंसानी तारीख में तब से अब तक अहम किरदार अदा करती आई हैं। सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज टू द होली प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादर मुतलिक पर मजबूत अकीदे, टू हिज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत, एंड द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और उनकी सीरत की नेकनामी की ओस मकरूज है। इंडीड, दर हकीकत, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, उनकी ज़िंदगी अमल करने के लिए अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हिज मॉरल्स, उनका इखलाक एंड करेक्टर और सीरत आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान की एक एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के लिए, गोज टू द होली कुरान, कुरान पाक के हतमी अल्फाज हैं, ओ प्रॉफिट, ए पैगंबर, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको भेजा एक गवाह, एज एंड एज अ बेयरर ऑफ गुड न्यूज़, एक बशारत देने वाला, एंड एज अ वार्नर, और एक डराने वाला। ए पैगंबर, यकीनी तौर पर हमने आपको एक गवाह, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, एंड एज वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह,
और अल्लाह की तरफ एक दावत देने वाला बाय हिज परमिशन उसकी इजाज़त से एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च और एक रोशन चिराग बनाकर।